साल के थे, फिर वो 17 साल के हुए। हमारा शरीर भी उसी हिसाब से बड़ा होता है, जो डेवलपमेंट होता है शरीर का, वो शरीर का डेवलपमेंट एक छोटे बच्चे का और एक मैच्योर आदमी का, जो एक सीनियर आदमी है, उसके अंदर डिफरेंस होता है। और यही डिफरेंस कॉम्पिटिशन के अंदर भी देखा जाता है। कई बार कोच की तरह या पेरेंट की तरह आपने देखा होगा कि मेरा बच्चा 13 साल का है मगर 15 साल वाले को मात दे देता है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि वो 13 साल का होते हुए भी इतना स्ट्रांग है कि वो 15 साल, 13 और 15 साल की उम्र में बहुत फर्क होता है। अगर आप अपने आसपास देखें, और ये एक चीज में मेंशन करना भूल गया कि यहाँ पे महिला यंग एथलीट भी अवेल जो है वो इसका पार्ट है, जो बहुत जरूरी है। हरियाणा रेसलिंग के अंदर बहुत अच्छा करता है। मेरी क्लिनिक पे कई रेसलर्स आते हैं, यंग रेसलर्स, महिलाएं भी आती हैं, और उनको बहुत प्रोत्साहन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वो ऑलरेडी बहुत अच्छे स्तर पे बहुत देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो जब 13 और 15 साल के बच्चे में हम फर्क देखते हैं तो क्या डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं? यहाँ 13 साल के बच्चे हैं कोई या उससे छोटे? 13 साल के बच्चे की ज्यादातर मूछे नहीं आई होती या आने वाली होती हैं। जो जो मेजर डिफरेंस एक बहुत ही साधारण रूप से मैं बताना चाह रहा हूँ। और जब वो 15-16 साल का हो जाता है तो उसकी मूछ दाढ़ी आ गई होती है, उसका शरीर थोड़ा बड़ा होना लगता है। और 13 साल की उम्र के आसपास लड़कियों में 1 साल जल्दी और लड़कों में 1-2 साल लेट उनका कद बढ़ रहा होता है, उनके हाव भाव बढ़ रहे होते हैं और वो ग्रोथ वाले फेज में होते हैं। मैक्सिमम उनकी ग्रोथ उस समय हो रही होती है जब उनकी हाइट बढ़ रही है और उनके हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, उसी के हिसाब से वो फर्क आना शुरू हो जाता है लड़के और लड़कियों के अंदर। तो ये जो उम्र है 13 साल और 15 साल, 11, 13, 15, 17, यहाँ पे जो हमारा शारीरिक डेवलपमेंट है वो थोड़ा भिन्न हो जाता है उस समय से। और ये एज ग्रुप कोचेस के लिए और पेरेंट्स के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एज ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से एक अंडर 15 का ग्रुप भी यहाँ पर होगा। सर अंडर 15 ग्रुप भी है यहाँ पे। ये वो टाइम है जब सारे के सारे शरीर की जब शेप बदल रही है तो लोगों के मनों में बहुत जिज्ञासाएं आती हैं, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, साइकोलॉजी चेंज हो रही है। अब वो छोटे नहीं है, वो बड़े हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्रेशर्स भी आ रहे हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आ रहे हैं, प्रोबेबली कभी कभी परफॉर्मेंस के प्रेशर भी आएंगे। और एक बढ़ती उम्र का जो एक्सपीरियंस होता है, जब हम मैच्योर हो रहे होते हैं, जब एक बच्चे से लड़के से जब हम आदमी बन रहे हैं, तो वो प्रेशर्स भी एज ग्रुप में आते हैं। तो एज अ कोच, एज अ पेरेंट, हमें उन्हें समझना जरूरी है। इस भूमिका के साथ में मैं आज का प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। अगर कोई सवाल किसी का इस दौरान में होगा तो आप मेरे से बेहिचक पूछ सकते हैं। तो पिछले कुछ सालों के अंदर और भारत के अंदर खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम के चलते, और जैसा सर ने बताया कि पेफी जैसी संस्थाएं और ओजीक्यू जैसी संस्थाएं, और भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसके अंदर जो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, जो जिंदल का एक इनिशिएटिव है, उसका एक सेंटर हरियाणा में भी है, और अब जब इंदरसिंह के चलते भी मैं भी एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ सलाहकार हूँ जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक इनिशिएटिव है उदयपुर में फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए, जहाँ हम 13 से 15 साल के 17 साल के बच्चों के साथ में हम डील करते हैं। वो एकेडमी है जिससे हमने नेशनल टीम प्लेयर्स भी दिए हैं और उसमें से एक प्लेयर ने इंडिया के लिए कैप्टन भी किया है। तो इस उम्र इस स्पोर्ट्स की जो पार्टिसिपेशन है वो ओवरऑल पिछले कई सालों में, ज़्यादा पिछले 3 से 5 सालों में, इन सब के चलते बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। और जो अच्छा भी है, क्योंकि स्पोर्ट्स से हमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है और सोशल, लोगों से मिलना जुलना, टीम की तरह काम करना, ये सारे बेहतर होते हैं। इन सब के चलते जो चीजें डेवलप की, जो यहां पर भी डेवलप होंगी और ये प्लान में भी होगा, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा सर ने कहा, सुजीत मान सर ने, के मैट्स की अवेलेबिलिटी, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी, रेसलिंग के जो सॉरी वेट लिफ्टिंग के जो इक्विपमेंट है या जो भी मशीनों की रिक्वायरमेंट है, उन सब का डेवलपमेंट भी पिछले कुछ सालों में हमारे देश में हुआ है, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। और उसके साथ में जैसा सब लोग मेंशन कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स साइंसेस, महासर ने भी कहा कि साइंटिफिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग, जो स्पोर्ट्स साइंसेस है उसको इतनी इंपॉर्टेंस जो पिछले 3 से 5 सालों में मिली है। शुरुआत तो इसकी 2004-05 में हमने करने की कोशिश की थी, मगर जो जिस गियर में आज गाड़ी चल रही है,
पिछले 3 से 5 साल में वो बहुत तेज है। तो इन सब के चलते अच्छा पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर काफी बड़ा है।